हमारे पास युवाओं का बहुत बड़ा संगठन रहता है, लाखों लाखों। हम देखते हैं कि युवा वर्ग, प्राइम मिनिस्टर को भी कहना पड़ा था, व्यसनों की तरफ जा रहा है, भाई बच्चों इससे बचो। क्यों युवक व्यसनों में जा रहे हैं, क्यों व्यसनों का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है? मानसिक टेंशन, अंदर में असंतोष, खुशी की कमी, रात को नींद नहीं आ रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो मनुष्य सोचता है चलो पी के सो तो जाओ, नींद भी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम जीवन जीने की कला सीख लें, अगर हम सीख लें कि जीवन की इस यात्रा को सुखद कैसे बनाएं, प्रेम कैसे बांटें, अपने अपने घरों में खुशी का माहौल कैसे बनाएं, तो ये खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन संतुष्ट होंगे, सुख से सोएंगे, सुख से जगेंगे। तो अपने को बदल कर जाना है। इसलिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहला ही सिद्धांत सबको दिया जाता है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। खुद को बदलो तो विश्व बदलेगा। और विश्व बदल जाए और हम दुखी हों, हमें तो सारा संसार दुखी फील होगा। इसलिए पहले हमें खुद को बदलना है। अब क्या क्या बदलना है? जिन चीजों के कारण आप संघर्ष हो रहे हैं, मैं वो थोड़ी सी चीजें आपको याद दिलाता हूं। बोलने का तरीका। कई लोग बात तो अच्छी कहते हैं, सुंदर बात, पर अच्छे ढंग से नहीं कहते, अच्छे वक्त पर नहीं कहते। अच्छी बात अच्छे शब्दों में, अच्छे ढंग से, प्यार से अगर कही जाएगी तो अच्छी बात का मूल्य बढ़ जाएगा। नहीं तो अच्छी बात भी बुरी लगती है अगर हमारा कहने का तरीका सुंदर नहीं है। तो आज आप यहाँ आए हैं, विचार कर लें। हम ये तो चाहते हैं दूसरे हमसे बहुत प्यार से बात करें, पर क्या हम ये भी सोचते हैं कि हम भी करें? दूसरे प्यार से करें, हम डांट से करें, ये कैसे मिलन होगा? जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही हमें करना भी होगा। हैं तैयार आप सभी? सुनकर नहीं जाएंगे केवल। अगर आपकी वाणी में कटुता हो, अगर आपकी वाणी दूसरों को कष्ट पहुंचाती हो, अगर आपकी वाणी सुनकर लोग दुखी हो जाते हो, तो इसे चेंज करेंगे। क्योंकि जो कुछ हम दूसरों को देंगे वो वापस हमारे पास आता रहेगा। आएगा या नहीं? जो मनुष्य दूसरों को कटु वचन बोलता है, क्या उसे मीठे वचन सुनने पड़ते हैं? और ये भी ध्यान रखना है, जो कटु वचन बोलते हैं वो कटु वचन सुन नहीं पाते, उनकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो दूसरों को सुख देते हैं वो बहुत सुखी होते हैं, लेकिन जो दुख देते हैं, जब दूसरा कोई उन्हें दुख दे तो वो उसको सहन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी शक्तियां नष्ट हो गई। इन बातों पे सभी गौर करें।